Hello, good afternoon, everyone. And as we were in between of progressions, in geometric progression, we have done a few of the properties of geometric progression. And now, in continuation with this thing, we'll move on to the geometric means. We have done the nth term of the GP and sum of the GP. Now, we go to geometric means. Geometric mean, right? Geometric mean is what? In geometric means, normally क्या होता है? जैसे number दे रखे हैं हमें. मैं दो number ले रहा हूँ. जैसे there is one number is A and other number is B. Geometric mean क्या होता है? अगर single geometric mean की बात कर रहा हूँ, तो इन दोनों के बीच में एक number G, उसको हम geometric mean कहते हैं. When A, G and B, they form a GP. अगर ये GP form. ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है दो नंबर के बीच में? वो एक ऐसा नंबर है जिसको इन दोनों के बीच में हम इंसर्ट कर दें तो ए जी और बी ये एक जीपी बनती है. इट मींस जी अपॉन ए कॉमन रेशियो और बी अपॉन जी दूसरे कॉमन रेशियो दिस अपॉन दिस और बी अपॉन जी कॉमन रेशियो बराबर होगी. इसका इसका रेशियो जो होगा बी और जी का रेशियो सेम होगा. दिस इज जी विल बी इक्वल जी इधर चला गया जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी और जी इज इक्वल टू ए बी. तो किसी का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो क्या करेंगे उसको उसका प्रोडक्ट है उसका स्क्वायर रूट निकाल दिया तो दैट विल बी ज्योमेट्रिक. जैसे अगर मेरे पास यहाँ पर नंबर दे रखे हैं 2 एंड 18 इनके बीच का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो 2 इंटू 18 डिवाइडेड का स्क्वायर रूट 36 का स्क्वायर रूट दैट विल कम आउट टू प्लस माइनस 6. प्लस 6 भी है माइनस 6 भी है कुछ उन दोनों में से कोई भी नंबर हो सकता है. तो प्लस 6 होगा तो कॉमन रेशियो जो होगा 3 हो जाएगी माइनस 6 हो तो कॉमन रेशियो माइनस 3 हो जाएगा. तो वो वेरिएशन हो सकता है. ज्योमेट्रिक मीन जो है वो इस तरह से होता है. जैसे अर्थमेटिक मीन अगर हमें याद हो अगर आपको याद है अर्थमेटिक मीन में क्या करते थे. इन अर्थमेटिक मीन ए और बी दो नंबर हैं तो इनके बीच में अर्थमेटिक मीन क्या होता था ए प्लस बी बाई टू राइट दिस इज अर्थमेटिक मीन. चलो आप मुझे ये बताएंगे जैसे दो नंबर दिए कोई भी ए नंबर दिए ए और बी दो नंबर दे रखे हैं तो इनका एक अर्थमेटिक मीन ए होता है और एक ज्योमेट्रिक मीन जी होता है. एक अर्थमेटिक मीन ए और ज्योमेट्रिक मीन जी. तो अगर हम दोनों को एनालाइज करें तो ये बताओ ए और जी में से कौन बड़ा होगा. मतलब एक ऑप्शन दिया ए इज ग्रेटर देन जी ऑप्शन बी इज ए इज लेस देन जी एंड ऑप्शन सी इज ए इज इक्वल टू जी. यस ऑप्शन वन टू या थ्री ए बी सी में कौन सा ऑप्शन होगा विच विल बी द राइट ऑप्शन. यस गुड आफ्टरनून सिमर. यस गुड आफ्टरनून ठीक है सिमर बट आंसर गलत है आपका. बड़ी सीधी सी बात है जहां पर आपको कंफ्यूजन या डाउट हो जाए तो वहां पर क्या करना है कोई तो नंबर उठा लो. ये 2 एंड 18 है इनका ज्योमेट्रिक मीन कितना है 6 और अर्थमेटिक मीन कितना है 18 2 20 बटा 2 10. ये अर्थमेटिक मीन आएगा ज्योमेट्रिक मीन है तो अर्थमेटिक मीन का ज्योमेट्रिक मीन से ज्यादा है. बड़ी सिंपल सी बात है राइट. तो क्या करना है हमने इस चीज का ध्यान रखना अर्थमेटिक मीन जो है वो हमेशा हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है या बराबर होता है. बराबर भी हो सकता है बट नॉर्मली बड़ा होता है. जब भी दो डिफरेंट नंबर होंगे तो दैट विल बी अर्थमेटिक मीन विल बी ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन. ठीक है चलो एक सिंगल ज्योमेट्रिक मीन का तो कोई इश्यू नहीं है बट समटाइम्स क्या होते हैं हमें क्वेश्चन दिया होगा कि यहाँ पर नंबर लिखे हुए हैं देयर इज वन नंबर 4 और एक और नंबर है दैट इज उसको हम ले लेते हैं 972. एक नंबर है 4 और एक नंबर है 972 राइट. इन दोनों के बीच में दो ये दो नंबर हैं इन दोनों के बीच में हमें बोला गया है फाइंड 4 ज्योमेट्रिक मीन्स मतलब 4 और 972 के बीच में 4 ज्योमेट्रिक मीन्स निकालने हैं. ऐसे 4 नंबर लिखने हैं G1, G2, G3 एंड G4.
ये ऐसे नंबर होंगे G1, G2, G3 एंड G4, ये ऐसे नंबर होंगे कि ये क्या बनेगा, ये सिक्स नंबर जो है ये सिक्स नंबर्स की जीपी बन जाती है। फोर ज्योमेट्रिक मीन डाले दो नंबर ये हैं साथ में, कितने होंगे टोटल सिक्स नंबर होंगे, ये सिक्स नंबर जो है वो जीपी बनाएंगे। तो ऐसे कौन से फोर नंबर्स हो सकते हैं, ये जो फोर नंबर्स होते हैं इनको हम कहते हैं ज्योमेट्रिक मीन्स। जैसे अर्थमेटिक मीन्स लिए थे हमने, अगर फोर अर्थमेटिक मीन्स A1, A2, A1, A2, A3, A4 दिए हैं, ये फोर नंबर दिए हैं, ये अर्थमेटिक मीन्स हैं। तो अगर ये फोर अर्थमेटिक मीन्स हो और यहां पर नंबर A दे रखा है, यहां पर लास्ट में नंबर B दे रखा है, तो अगर ये फोर अर्थमेटिक मीन्स है तो A से लेके B तक ये सिक्स नंबर्स का AP बनती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनता है। और वैसे अगर ये फोर ज्योमेट्रिक मीन्स हैं, इट मींस 4 और 972 के बीच में ये फोर नंबर जब हमने ऐड कर दिए तो ये सिक्स नंबर्स की जीपी बनेगी। अगर सिक्स नंबर्स की जीपी बनेगी तो यहां पर गैप्स कितने आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 5 गैप्स होंगे, 6 नंबर्स हैं उनके बीच में गैप कितने होंगे, 5 गैप्स। तो होगा क्या, तो ये 5 times आर आएगा, ये जो आर है ना कॉमन रेशियो, देखो 4 से जो भी जीपी बनेगी इस जीपी की कॉमन रेशियो होती है आर, फर्स्ट टर्म तो हमें पता है कि 4 है, तो रेशो आर होती है, आर एक बार आएगा मल्टीप्लाई होगा, दूसरी बार, तीसरी बार, चार बार और पांच बार, तो मतलब 972 तक, 4 से 972 तक पहुंचने में 5 टाइम्स आर आएगा। तो हम लिख सकते हैं कि सिक्स नंबर्स हैं तो 5 टाइम्स आर आना है, और लिखें आर पावर 5 = 972। एपी में माइनस करते थे, यहां डिविजन होगा, 972/4 ये बन गया 243। R power 5 is equal to 243. It implies R is equal to R कितना बन जाएगा? R will be 3. R कितना हो गया? 3. Common ratio 3 आ गई. तो G1 कितना होगा? G1 is equal to A into R power 1. G2 is equal to A into R power 2. G3 is equal to A into R power 3. G4 is equal to A into R power 4. ए कितना हो गया 4 और आर की पावर 1 मतलब 3 की पावर 1 3 दैट इज 4 इनटू 3 पावर 2 दैट इज 9 4s आर 36 4 इनटू 3 पावर 3 दैट इज 27 4s आर 108 4 इनटू 3 पावर 4 81 इनटू 4 कितना बनेगा 4 324। तो ये 4 जो है ज्योमेट्रिक मीन्स आ जाते हैं 4 से लेके 972। इज दिस क्लियर, ये 4 ज्योमेट्रिक मीन्स आ गए। तो इस तरह से इंसर्ट करते हैं। जब हमारे पास एपी होती थी तो एपी में अगर आपको याद हो, एपी में याद हो तो जो अर्थमेटिक मीन्स होते थे तो ए जो A1 है फर्स्ट अर्थमेटिक मीन होता था वो होता था A+D, A2 कितना होता था A+2D, A3 थर्ड कितना होगा A+3D, A4 कितना होगा A+4D, फिफ्थ कितना होगा A+5D। इस तरह से जो है वो अर्थमेटिक मीन्स और ये ज्योमेट्रिक मीन्स आते हैं, राइट। सो ज्योमेट्रिक मीन निकालना हो फिर से देख लो क्या करना है, जो A और B दिया होता है इन दोनों नंबर्स के बीच में, सपोज करो कि मुझे 5 ज्योमेट्रिक मीन्स निकालने, 5 नंबर निकालने, 5 ज्योमेट्रिक मीन्स, तो 5, 6 और 7 ये 7 नंबर्स की जीपी बन जाती है। ध्यान से करिए, दो नंबर ये भी ऐड करके 7 नंबर की जीपी बनी, और 7 नंबर की जीपी में कितने गैप होंगे, 6 गैप होंगे। तो आर पावर 6 इज इक्वल टू रेशो की पावर 6 इज इक्वल टू B/A हो जाता है। इस नंबर को इससे डिवाइड कर दिए, B/A वो आर पावर 6 हो जाता है, यहां से आर आ जाएगा मेरे पास, और G1 G2 G3 आगे इसके वैल्यू निकालनी हो तो G1 इज इक्वल टू A/R1, G2 is equal to A/2, अगर 6 तक निकालना है तो A5, A6 ऐसे यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? ओहो ओके, अमन टाइम पे आएगा, क्लास लेट मत किया करो, बी ऑन टाइम, राइट। चलो अभी हम एग्जांपल करते हैं, साथ साथ में बताता हूं आपको, साथ साथ में ज्योमेट्रिक मीन्स क्या होते हैं। दो नंबर दे रखे हैं, फिर से देख लो, ए और बी दो नंबर्स हैं, इनके बीच में ज्योमेट्रिक मीन्स निकालने हैं, सिर्फ 4 ज्योमेट्रिक मीन्स निकालने हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, ये G1, G2, G3 और G4 ये नंबर हमने इंसर्ट कर दिए, ए और बी के बीच में लिखने हैं, वो इस तरह से लिखने हैं
जीवन जी टू जी थ्री जी फोर जी और डी ये टोटल सिक्स नंबर्स का एक जीपी बन जाएगा। जीपी बन जाएगा तो मतलब इनकी रेशियो सेम होगी, तो इनकी रेशियो सेम होगी। छह नंबर है, छह नंबर के बीच में एक दो तीन चार पांच, पांच बार आ रहेगा। आर की पावर फाइव इज इक्वल टू डी पॉइंट एट, यहां से हम आर की वैल्यू निकाल लेते हैं और फिर उसके बाद जी की वैल्यू पुट करके ये जीवन फर्स्ट डिमेट्रिक मीन सेकंड थर्ड और फोर्थ, इस तरह से पुट करते हैं राइट। अमन अब हम एक काम करते हैं, नाउ विल गो टू वन एग्जांपल, वन एक क्वेश्चन करते हैं, वहां से हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आर की वैल्यू कैसे निकाली। देखो आर की वैल्यू लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था, आर की पावर 243। अब ये बेसिकली क्या होता है, किसकी पावर 243 होता है, आर की पावर 5 और 3 की पावर 5 होता है 243। इसलिए मुझे लग गया पता कि आर कितना होना चाहिए, आर 3 होना चाहिए। फाइन पारस राइट, बाकी क्वेश्चन जो भी पूछने पब्लिकली पूछ लो, मतलब मैसेज पर सबको कर दो, सो दैट कि सबको क्लियर रहे कि व्हाट व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, इजी हो जाएगा राइट। चलो लेट्स मूव ऑन, क्वेश्चन इज 576 एंड 9, ये दो नंबर्स हैं, इनके बीच में वी नीड फाइव ज्योमेट्रिक मींस, फाइव ज्योमेट्रिक मींस निकालने हैं राइट। बताएंगे व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फोर्थ ज्योमेट्रिक मीन, फोर्थ ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू कितनी निकालिए। और जिसको नहीं पता वो मेरे साथ आइए, फाइव ज्योमेट्रिक मीन से इनके बीच में पांच नंबर डालने हैं, दो नंबर ये हैं सिक्स और सेवन, सेवन नंबर होगी, सेवन नंबर की जीपी है, तो इनके बीच में आर की पावर कितनी होगी, सिक्स, गैप्स कितने होंगे, सिक्स, ये बताया था मैंने आपके, सेवन नंबर है तो आर पावर सिक्स, और ये कितना होगा, नाइन अपॉन फाइव सेवेंटी, नाइन अपॉन फाइव सेवेंटी, नाइन से इसको डिवाइड करते हैं, वन अपॉन नाइन सिक्स द 54, 3, 36, 64. R power 6 is equal to 1.2 power 6. So it implies R is equal to 1 by 2. R is equal to 1 by 2. A तो हमें पता है, A की वैल्यू 576 है और B की वैल्यू 9 है. और हमसे पूछा गया है what is G4? G4 कितना होता है? A into R power 4. A कितना है? 576. R power 4 कितना है? 1 by 2 की पावर 4. 576 into 1 by 2 की पावर 4 कितना हो गया? 16. 16 से इसको डिवाइड करेंगे. 16, 3 is 48, 49, 96. 16, 6 is 96. So my answer to this question will be 36. बताओ किसी को समझ आ गया क्या? Yes, किसी को समझ में आ गया? नवीन, यस, भव्या, अर्नूर, यस यस यस, डिड यू गेट इट? अमन, राइट, पारस, पारस, गॉट इट, फाइन। अमन ध्यान रखो अपना, ठीक है, गर्म पानी पियो, डन फाइन। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करते हैं, मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ओके, क्वेश्चन इज, नंबर्स आर, हेलो
You have to find out the geometric means of five geometric means between 32.9 and 81.2. करेंगे इसको क्वेश्चन देखना. आपने ए टू निकालना है. Yes. Fine, good. We are getting some answers. Very good. Five geometric means in ki week mein totally seven numbers ho jate hain. So r power six, six numbers, six r's honge. R power six is equal to 81 upon 2 upon 32 upon 9. This will be 81 upon 2 into 9 upon 32. ये कितना बन जाएगा? ये 3 power 4 है और ये 3 power 2 है. तो ये बन जाएगा 3 power 6 और नीचे 32 into 2 कितना बनता है? This is 64 और ये बन जाता है 2 power 6. तो R कितना बनेगा? R will be 3 by 2. अब मैंने आपसे क्या पूछा? What is G2? G2 will be कितना बनेगा? A into R power 2. First term into ratio की power 2. First term कितने? First term कितने? First term 32 upon 9. Into R कितने? 3 by 2. So 3 by 2 की power 2. So 32 upon 9 into 9 upon 4. 9 से 9 cancel, 4 से लग गया 8. Our answer to this question will come out to be 8. You have got 4 answers. Very good. बहुत बढ़िया. 4 answers मुझे मिल गए. Yes, and I hope that it is clear to everyone. सबको clear है. I just hope so. सभी को clear है. अमन, अमन, पारस, रजत, is it done for you? Shyamnandan, yes, good, good, right, done. Chalo, ek interesting question karte hain. Let's see that how much the understanding you have there. The question is, we have numbers like one number is 3, ek 3 a number, and another number is 48, 3 and 48. और 3 और 48 के बीच में हमने 6 ज्योमेट्रिक मीन्स ऐड करें, राइट? फाइंड प्रोडक्ट ऑफ
ऑल द सिक्स ज्योमेट्रिक मीन्स। ये जो सिक्स ज्योमेट्रिक मीन्स हैं, इनका प्रोडक्ट कितना होगा, मीन्स G1 इंटू G2 इंटू G3 इंटू G4 इंटू G5 इंटू पानी है ना? हाँ आज ये बात भाई बाजू ठीक है ना? कहाँ पे देखो मैंडर देखो, आप अपने आप को म्यूट रखो एंड यू बेटर अंडरस्टैंड कि आपके सराउंडिंग का एनवायरनमेंट कैसा है एंड उसी के अकॉर्डिंग जो है वो आप अपने आप को ऑपरेट कर सकते हो, तो अननेसेसरी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। आर्यन आपने पूरा मल्टी नहीं कर दिया? देखो सिंपल, आप एक इस चीज को देखना, जो सिंगल ज्योमेट्रिक मीन जी आएगा इन दोनों के बीच में, तो जी कितना होता है 3 × 48 का स्क्वायर रूट, कितना 144 का स्क्वायर रूट, दैट इज स्क्वायर, ठीक है। अगर G1 G2 दो आते हैं तो ये GP बन गई, अगर सपोज दो है G1 G2 दो ज्योमेट्रिक मीन डाले तो जीपी बन गई, 3 G1 G2 और G48 जीपी बन गई। तो फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट और बीच के दोनों का प्रोडक्ट बराबर होता है, तो फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट कितना हो 48 × 3 दैट इज 144, राइट। G1 × G2 दैट विल आल्सो बी 144। सिमिलरली यहां पर कितना होगा, हियर इट विल बी 3 और ये कितना लास्ट में कितना होगा 144, तो 3 और 144 का जो प्रोडक्ट होगा वही प्रोडक्ट G1 और G6 का होगा, G2 और G5 का होगा, G3 और G4 का होगा, राइट। तो हर प्रोडक्ट जो है वो इन दोनों के बराबर होता है, क्लियर होगी बात। तो जब भी ज्योमेट्रिक मीन्स का प्रोडक्ट हो, प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन्स इज इक्वल टू, आप इसको g पावर n कर लो, बढ़िया, g इज सिंगल ज्योमेट्रिक मीन between A and B, दो numbers के single geometric mean G है, तो N means है उनका product कितना G power N। For example, जैसे यहां पर 3 and 48 का single geometric mean कितना होगा 144 का square root, that is 12। 12 single geometric mean है, तो ये कितना आएगा 12 power, यहां 6 geometric mean का product कितना 12 power 6। राइट, अगर 5 है तो 12 power 5, इज इट क्लियर। जितने मींस हैं उनका प्रोडक्ट निकालना, 6 का प्रोडक्ट निकालना 12 power 6, 4 होंगे तो 12 power 4, 3 होंगे तो 12 power 3, 1 होगा तो 12, दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट। नवीन ये 27 और ये क्या कर रहे हो, नहीं कुछ गड़बड़ कर रहा हो, 27 कैसे आया वो समझ में नहीं आ रहा है, स्क्वायर रूट लिखने की कोशिश कर रहे थे, 27 लिख रहे, नहीं सर गलत लिख गया, 48 upon 48 की पावर 3 आया सर। ओके राइट, दैट्स गुड। लुक हियर, ऐसे होते हैं अमन, आप देख लो इसमें जैसे ज्योमेट्रिक मीन्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है अगर आपको, इसमें तो ए और ये बी नंबर है, बीच में ज्योमेट्रिक मीन्स है G1, G2, G3, G4 एंड G5, ये 5 नंबर है सपोज करो, तो मैं ही कह रहा हूँ कि फर्स्ट और सेकंड का लास्ट का प्रोडक्ट जो है वो सेकंड और सेकंड लास्ट का प्रोडक्ट होगा, थर्ड और थर्ड लास्ट का प्रोडक्ट भी इतना ही होगा, और G3 जो है वो दैट विल बी इक्वल टू सिंगल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए। तो जब हमें पता फर्स्ट लास्ट का, सेकंड सेकंड लास्ट का, थर्ड थर्ड लास्ट का पता हमें, फर्स्ट नंबर 3 है, लास्ट नंबर 48 है, तो हमने सिंगल ज्योमेट्रिक मीन जी निकालना हो 3 × 48 का स्क्वायर रूट, ए इंटू बी का स्क्वायर रूट, तो 144 का स्क्वायर रूट, दैट
ये कितना मिल जाता है 12। अब यहाँ पे कितने मीन्स है टोटल 5, इन पांचों को प्रोडक्ट चाहिए तो कितना आएगा G1, G2, G3, G4 एंड G5। दिस इज इक्वल टू सिंगल डिमेंशन में जी रेस टू पावर 5, कितना होगा 12 की पावर 5। अगर ये 6 ज्योमेट्रिक मीन्स है तो 12 पावर 6, अगर ये 8 ज्योमेट्रिक मीन्स है तो 12 पावर 8। डन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इसके साथ में हम वर्क कर रहे हैं, दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स, ज्योमेट्रिक मीन जीपी, प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी। और प्रॉपर्टीज के ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछे तो हमें क्लियर होना चाहिए, जैसे हमने एपी की प्रॉपर्टीज करी थी वैसे जीपी की प्रॉपर्टीज होती है। प्रॉपर्टीज में क्या है, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर नंबर दे रखे हैं हमारे पास A, B, C, D, E, ये 5 नंबर्स हैं, एंड दे फॉर्म अ जीपी, वो एक जीपी बनाते हैं, क्लियर। अब इसमें इस नंबर्स को, फर्स्ट इफ नंबर्स आर ऑल नंबर्स आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय इस नंबर by same number, then new series is also a GP, ठीक है। और अगर suppose इसकी रेशो R है और divided by same number X, तो जो new series होगी उसकी रेशो कितनी बनेगी, उसकी small मतलब अगर हम बात करें common रेशो जो है वो कितने बन जाएंगे, न्यू कॉमन रेशियो आर इज इक्वल टू पुरानी कॉमन रेशियो आर है, आर को एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अगर डिवाइड हो रहा है तो कॉमन रेशियो भी डिवाइड हो जाएगा, कॉमन रेशियो भी डिवाइड हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सीरीज है लाइक 8, 24, 72, 216, 648 एंड सॉरी। अब इस सीरीज के हर एक नंबर को, एवरी नंबर इज डिवाइडेड बाय 4, हर एक नंबर को 4 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, 4 से डिवाइड हो गया, ठीक है। तो सीरीज कितने बन जाएंगे, 2, 4 से डिवाइड किया तो 8, और 4 से डिवाइड किया तो 6, 4 से डिवाइड किया तो 18, 4 से डिवाइड किया तो 54, 4 से डिवाइड किया तो 162, राइट। जब हम 4 से डिवाइड करें तो ये बन रहा है, और ये देखो ये फिर भी क्या हो रहा है, ये 2, 3 6, 6 18, 18 54, 54। ये वापस एक जीपी ही रहती है, एक जीपी को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो, इट विल रिमेन जीपी। और कॉमन रेशियो जो है, कॉमन रेशियो में क्या होगा, सॉरी कॉमन रेशियो में चेंज नहीं आएगा इसमें, सॉरी आई टुक इट दैट रॉन्ग वे। इसमें जो है प्रॉपर्टी में हम बात करें, कॉमन रेशियो विल रिमेन सेम, कॉमन रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा, बिकॉज डिवीजन हो रहा है तो वो सभी में हो रहा है, अगर मल्टीप्लीकेशन हो रही है तो सभी में हो रही है, कॉमन रेशियो आर विल रिमेन सेम, कॉमन रेशियो जो है वो सभी की सेम रही, कॉमन रेशियो में कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। ये जो हमारा एपी होती है, एपी के अंदर क्या रहता है, जो हमारा कॉमन डिफरेंस होता है अगर उसमें हम मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो कॉमन डिफरेंस भी मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड हो जाता है। बट यहां पर क्या होगा, अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सभी नंबर मल्टीप्लाई हो जा रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं तो सभी नंबर डिवाइड हो जा रहे हैं, तो उनकी कॉमन रेशियो चेंज नहीं होगी, फर्स्ट टर्म चेंज हो जाएगी और कॉमन रेशियो रिमेन सेम होगा। डन, क्लियर। चलो, दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी। सेकेंड, अगर 2-3 नंबर हैं ए बी सी, अगर हमें प्रूव करना है कि ये जीपी बनाते हैं
तो इसका मतलब क्या था, बी स्केयर इज इक्वल टू ए। ये जीपी कब बनेंगे, जब बी स्केयर इज इक्वल टू ए सी हो तो। ठीक है, अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि हमें दिया है लॉग ए लॉग बी और लॉग सी, हमें दिया है कि ये जो है दे आर नंबर दे आर इन एपी, ये तीनों नंबर जो किस में है, एपी में है। आपसे पूछा गया है कि ए बी सी विल बी इन व्हाट, एपी में होंगे या फिर जीपी में होंगे, ये बताना है। लॉग ए लॉग बी लॉग सी किस में, एपी में। तो ए बी सी ये जो तीन नंबर्स बनेंगे किस में होंगे, तो हम क्या करते हैं ए बी सी किस में, अगर एपी में करना है, अगर इनको एपी बनाना है तो 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी होना चाहिए, राइट। और अगर जीपी बनाना है तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होना चाहिए। अगर ये फुलफिल होता है तो ये एपी है, ये फुलफिल होता है तो ये जीपी। अब हमें गिवन क्या है, लॉग ए लॉग बी लॉग सी किस में, एपी में। तो इसका मतलब कि यहां से हम इसकी प्रॉपर्टी यूज करते हैं कि ट्वाइस ऑफ लॉग बी, जो बी का टर्म है उसका ट्वाइस इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग सी। तो ये टू इधर चला गया, लॉग ऑफ बी स्केयर इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ सी, तो लॉग ऑफ ए प्लस सी, ये दोनों एड, दोनों तरफ लॉग लॉग कैंसिल हो जाएगा, बी स्केयर इज इक्वल टू ए सी, सॉरी ए इंटू सी, ए प्लस नहीं आएगा, ए इंटू सी। यहां पे क्या आएगा, लॉग ए log a प्लस log c, जिसने log मिस किया तो उसको थोड़ा सा इश्यू हो रहा होगा कि कैसे किया हुआ है। log a प्लस log c ये क्या होता है, दिस इज log a c, दोनों का प्रोडक्ट। तो बी स्केयर यहां से log log हटा दे, बी स्केयर इज इक्वल टू ए सी। अब बी स्केयर इज इक्वल टू ए सी है, इट मीन्स ये किसका पार्ट है, दिस पार्ट, दिस इज पार्ट ऑफ जीपी, दैट इज ज्योमेट्रिक प्रोजेक्शन। तो मतलब यहां पर क्वेश्चन क्या बन रहा है, दैट इज ये जो है log a log b log c ap में है, तो a b c किस में होंगे, दे विल बी इन gp। तो हमने इसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट log a log b log c ap में है, तो इसका मतलब ट्वाइस ऑफ दिस, ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, ये प्रॉपर्टी यूज करी हमारे पास, और यहां से हमने निकाल लिया b square is equal to ac। इसका मतलब a b और c वो किस में होंगे, दे विल बी इन gp, दे विल बी इन ज्योमेट्रिक प्रोजेक्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं ए बी सी। अगर ये तीन नंबर दे आर इन जीपी, तो वन पॉइंट ए वन पॉइंट बी वन पॉइंट सी ये किस में है, दे आर इन जीपी, ए बी सी दे आर इन जीपी। तो वन अपॉन ए वन अपॉन बी वन अपॉन सी ये किसमें होंगे, एपी में होंगे या जीपी में होंगे, किसमें होंगे, विल फॉर्म अ जीपी। आपको करने देखो कहीं तो कंफ्यूजन हो जाए ना, तो आप जीपी सीरीज ले लो, क्या लेंगे, तीन छ और बारह, तीन छ और बारह ये बन गए, राइट। तो हमसे पूछो वन पॉइंट थ्री वन पॉइंट सिक्स वन पॉइंट ट्वेल्व ये क्या होगा, रिवर्स कर दिया, वन पॉइंट थ्री वन पॉइंट सिक्स वन पॉइंट ट्वेल्व ये इसका ये जीपी है, जीपी का रिवर्स कर दिया। तो आप दिस पॉन दिस करेंगे और दिस पॉन दिस करेंगे, जब हम करेंगे 1 बाई सिक्स डिवाइड बाई 1 बाई थ्री और 1 बाई ट्वेल्व डिवाइडेड बाई 1 बाई सिक्स, या तो ये कर लो या फिर इसका स्क्वायर कर लो, ये ऐसे कर लो, इसका स्क्वायर जो है जीपी के लिए क्या होता है, 1 बाई सिक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई थ्री इंटू 1 बाई ट्वेल्व, ये हो गया 12 बाई तीन 1 बाई थर्टी सिक्स और 1 बाई 36 का स्क्वायर कितना था, 1 बाई थर्टी सिक्स इज इक्वल टू 1 बाई सिक्स 36, इसका मतलब क्या है, दे आर इन जीपी।
दे फॉर्म द जीपी, वो क्या बनाते हैं, वो जीपी फॉर्म करते हैं। कब, जब, मतलब एबीसी अगर जीपी में है कोई नंबर तो उनके रेसिप्रोकल जो है वो भी एक जीपी बना, राइट। अगर हम रन एक और करते हैं, हम एक और प्रॉपर्टी है जैसे, वैसे मैंने वो करवा दी है बट स्टिल अगर हमें जीपी की टर्म दी है G1, G2, G3, G4, G5, G6, ये टर्म फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है, तो फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट, सेकंड एंड सेकंड लास्ट का प्रोडक्ट, थर्ड एंड थर्ड लास्ट का प्रोडक्ट, ये तीनों प्रोडक्ट जो आपको दिया इक्वल। तो जो दो टर्म्स स्टार्टिंग और एंड से जिन टर्म्स के रैंक सेम है, nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड nth टर्म फ्रॉम द एंड, उनके जो प्रोडक्ट्स होंगे दे विल ऑलवेज बी सेम, वो हमेशा सेम रहेंगे, दोनों इक्वल रहेंगे। ठीक है, डन, क्लियर है? सो दीज वर द मेजर प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी। एपी हमने कर लिया है, जीपी हमने कर लिया है। मैं ब्रीफ में थोड़ा सा आपको एचपी के बारे में बताता हूं। एचपी का मतलब होता है, नॉट हिमाचल प्रदेश या हिंदुस्तान पेट्रोलियम, एचपी का मतलब होता है हार्मोनिक प्रोडक्शन। और बड़ी सिंपल सी चीज है इसमें, अगर सपोज करो जैसे मैं बात करूं 4, 10 और 16, ये क्या, ये तीन नंबर्स हैं एपी में है, ये गैप सिक्स है, ये गैप सिक्स है, तो ये तीन नंबर किसमें है, दे आर इन एपी, 4, 10 और 16 दे आर इन एपी। तो इसका मतलब क्या होगा, जब ये एपी में है तो इनके रेसिप्रोकल्स 1.4, 1.10, 1.16 इनके रेसिप्रोकल हैं, तो वो किसमें आ जाते हैं, दे फॉर्म अ हार्मोनिक प्रोग्रेशन, इनको कहते हैं हम ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन। और अगर सपोज करो 3, 6 and 12 ये जीपी में है, ये जीपी में है, इनके रेसिप्रोकल है 1.3, 1.6, 1.12, तो ये भी क्या बनाएंगे, दे विल अगेन मेक अ जीपी, ये भी जीपी होता है और ये भी जीपी होता है, राइट। दोनों क्या रहते हैं, दोनों ही ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, राइट। और यहां पर अगर ये एचपी है, एचपी का वो लेंगे तो हम ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन बनाते हैं, ठीक है। अब जैसे हमें दे रखे हैं, हमें तीन नंबर दे रखे हैं ए बी सी, हमें बोला ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, हमें दे रखा है ए बी सी किसमें, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ, इनके उल्टे 1.A, 1.B और 1.C वो किसमें होने चाहिए, दे शुड बी इन एपी। तो एपी में है, अगर ये एपी में है तो ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म, ट्वाइस ऑफ 1.B इज इक्वल टू 1.A प्लस 1.C, राइट। 2 upon B इज इक्वल टू A plus C upon A। तो हम इससे इट इम्प्लाइज 1 upon B इज इक्वल टू A plus C upon AC। यहां से हम इम्प्लाई करते हैं B इज इक्वल टू AC upon A plus C। दिस इज B, वैल्यू ऑफ B, ठीक है। तो अब इस तरह से ये रिलेशनशिप, ये मतलब टू ट्वाइस भी लगे, सॉरी 2AC, तो उल्टा करेंगे 2AC upon A plus C, this will be the value of B। तो इस तरीके से जो है वो हम इनको रिलेट करते हैं। अगर कोई चीज HP में गिवन है तो उसका उसके रेसिप्रोकल जो है दे विल बी इन AP, और AP में है तो AP की प्रॉपर्टी हम लगा देंगे, और दो नंबर के बीच में हम जैसे हार्मोनिक मीन, ये B जो है, B can also be called, B को हम कहते हैं हार्मोनिक मीन बिटवीन A एंड C, ये ए एंड सी के बीच में एक हार्मोनिक मीन आ जाता है, दिस इज कॉल्ड, राइट। मतलब हार्मोनिक मीन दिए हैं, अगर हमें निकालना है, हमें ए और बी नंबर दे रखे हैं, ये तो हमें पता है अर्थमेटिक मीन होता है A plus B by 2, ज्योमेट्रिक मीन होता है AB square root, और हार्मोनिक मीन कितना होगा, हार्मोनिक मीन अभी हमने निकाला 2AB upon A plus, हार्मोनिक मीन कितना हुआ 2AB upon A plus,
अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन आ गया, राइट। और तीनों में से ध्यान रखना, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन, ये रिलेशन रहता है। इंपॉर्टेंट वन, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक। Is it clear? Can we move on to the questions? Yes? तो हमने जो अभी तक हमने किया है बेसिकली प्रोग्रेशन का जो भी हमने किया है तो उसके बेसिस के ऊपर जो है वो हम जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चन को हम गो थ्रू कर सकते हैं, राइट। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अब देखो ये जो प्रॉपर्टीज हैं यही प्रॉपर्टीज रहती है बट क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है वो हम थोड़ा सा जज करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ द क्वेश्चन हैज बीन कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है उसकी G3 मतलब थर्ड टर्म, G8 एंड G13। इसकी पहले G3 कितना है, दिस इज P, दिस इज Q एंड दिस इज R। हमें क्या दे रखा है, तो हम बोले कि अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के तीन टर्म्स हैं, जी थर्ड टर्म पी, एट टर्म क्यू और 13 टर्म आर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, क्या करेक्ट होगा, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू, पी क्यू आर इज इक्वल टू 1। Price of Q is equal to P plus R. कौन सी स्टेटमेंट ट्रू बताइएगा, yes, we have got two answers. सर यस प्लीज सर, जो हार्मोनिक मीन होगा वो सिर्फ बी होगा कि 1/b होगा? नहीं, हार्मोनिक मीन तो बी होगा ना, देखो मैं इधर पीछे रहा हूं, ये था ना यहां पर बात करते हैं, ये ए बी सी तीन टर्म्स है ना, तो ये बी जो है वो ए बी सी हार, ये किसमें, एचपी में हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, तो B जो है B इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन का पार्ट है, तो A और C का हार्मोनिक मीन कितना है, B इस केस में। और जब ये हार्मोनिक मीन है तो 1/A, 1/B, 1/C ये किसमें होंगे, AP में होंगे। जब ये AP में होंगे तो ट्वाइस ऑफ 1/B इज इक्वल टू 1/A + 1/C। यहां से हमने B की जब वैल्यू निकाली फाइनली कम्स आउट टू बी कितना मिला, 2AC/A+C ये वैल्यू बनी, तो ये B जो है दैट इज इक्वल टू 2AC/A+C, ये B की वैल्यू 1/B नहीं, B की वैल्यू है दैट इज एज हार्मोनिक मीन, HP की बात कर रहा था। डन, क्लियर है नवीन? यस सर, राइट, ओके। यहां देखो G3, अब इसमें पता क्या, देखो यस ऑप्शन G3 कितना होता है, देखो G3 को देखो, G3 थर्ड टर्म AR² 8 AR 7, ये AR 12 13 A into R² तो इनके बीच में रेशियो कितनी है, देखो दिस पॉन दिस करेंगे तो R⁵, दिस पॉन दिस करेंगे तो R⁵। इसका मतलब पता क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि इस टर्म से इस टर्म पे पहुंचना तो R⁵ से मल्टीप्लाई करो और इस टर्म से इस टर्म पे पहुंचना तो R⁵ से मल्टीप्लाई करो, राइट। ऐसा क्यों है, क्योंकि इनके बीच में गैप जो है वो सेम है, तो ये 5 टर्म्स का गैप है, ये भी 5 टर्म्स का गैप है, जब भी गैप सेम होगा इनके बीच में तो इसका मतलब क्या हो, ये भी जीपी में है तो ये भी जीपी में है PQR, और अगर ये PQR भी अपने आप में जीपी बनाते हैं तो Q² इज इक्वल टू PR, ऑप्शन ए। अगर वैसे ही अगर आपको टर्म दे रखी है कि G2
G5, G8, राइट। ये किसमें होंगी, ये कितना डिफरेंस है, थ्री का डिफरेंस है, ये कितना, थ्री का डिफरेंस। तो ये इसका मतलब ये भी किसमें होंगी, GP में होंगी। गैप सेम है तो इट विल बी सेम, AR power 1, AR power 4, AR power 7। अब करके देख लो, इसका और इसका प्रोडक्ट जो है वो इसके बराबर आता है, राइट। इसका इसके इसका और इसका जो ज्योमेट्रिक मीन बनेगा वो ये बनेगा, इसका प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ए इंटू आर पावर फोर आ जाएगा। सो आंसर इज प्रेटी इजी, ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, राइट। देखो सम ऑफ एन टर्म दे रखा है, एक एपी है, एपी है, एपी के एन टर्म्स का सम दे रखा है 3n + 14n2। मैंने आपको एक चीज बताई थी, जो एपी होती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, उसमें nth टर्म जो है वो an + b टाइप की होती है, an + b टाइप की टर्म जो है वो nth टर्म होती है। जैसे 3n + 4 है, दिस विल बी द nth टर्म, और कॉमन डिफरेंस यहां पर कितना आएगा, 3, राइट। और इनका जो सम होता है, सम कैसे बनते हैं, सम इज वैसे बात करूं an² + bn, इस टाइप की वैल्यू को हम सम कहते हैं। इसका इस फॉर्मेट में जो आपको सम, ये इस तरह का फॉर्मेट जो होगा वो किसका होगा, दिस विल बी अ फॉर्मेट फॉर द सम ऑफ द एपी। तो अब हमें यहां पर 3n + 14n² दे रखा है nth टर्म का सम। हमें पूछा है कि ये जो वो है सम है, यहां पर कॉमन डिफरेंस कितना, b = what, ये सम है n टर्म्स का, तो इसका मतलब क्या होगा, ये एपी का है, इस फॉर्मेट में किसका सम होता है, दिस इज द सम ऑफ एन एपी। तो ये जो एपी है इसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा, निकालेंगे, ऑप्शन बता दो 5, 6, 7, 9 ये फोर ऑप्शन है, बताइए क्या आंसर है। Yes, good. Aman, Samarpeet, 7, 7, very good. देखो मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूं कि we have to be practical, हमें थोड़ा सा practically सोचना है, और practically सोचने के लिए हमें सबसे पहले ये दिमाग से निकालना है कि हमने एग्जाम में पूरे स्टेप्स बताने हैं कि हम कैसे कर रहे हैं, और फिर हमें आंसर जो है वो शो करना है, तो वो चीज जरूरत नहीं है। क्या करेंगे हम, what we will do? 5, 6, 7, 9 है ये, इनमें से कोई एक कॉमन डिफरेंस होगा। एस एन मतलब एन टर्म का सम ये है, एन की जगह वन ले लो, एक टर्म का सम कितना होगा, 3 + 14, 14 × 3 कितना, 17 हो गया। दो टर्म का सम कितना होगा, एस टू कितना होगा, 3 × 2 + 14 × 2 का स्केयर, 6 + 14 = 56 कितना हो गया, 56 - 6 कितना हो गया, 62। तो ये फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का सम 17, और इसका इन दोनों का सम 62, 62 माइनस 17 कर दो, ये था मैं 3 × 2 दैट इज 6, 14 × 2 स्क्वायर दैट इज 14 × 4 = 56, ये कितना बन गया, 45, राइट। ये एक टर्म का सम है, और ये सम ऑफ टू टर्म्स है, तो टू टर्म्स में क्या होगा, फर्स्ट टर्म भी आएगी, सेकंड टर्म भी आएगी, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, कितना बन गया, 45 बना, फिर हाउ डिड यू गेट एन टर्म्स, वन डाला, टू, एन प्लस 14 स्क्वायर, This is sum of two terms.
sum of two terms, तो 14 into 2 square 3 to the 6, 14 for the 56, 62. एक मिनट में एस थ्री भी निकाल लेता हूँ. 3 इंटू 3 प्लस 14 इंटू 3 कस के कितना हो गया 9. तो 9 प्लस 14 9 का 126 135. तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हम देखें एस वन मतलब एक टर्म का सम, तो फर्स्ट टर्म ए कितना मिल जाता है 17 और इसको मैं ए वन लिख देता हूं और ए वन प्लस ए टू टू टर्म का सम निकालना है तो दिस कम्स आउट टू बी 62. तो यहां से हम अगर ए वन है ए टू है, ए टू कितना आएगा, ए वन इज इक्वल टू 17, ए टू कितना आएगा दैट इज 62 माइनस 17 दैट इज That will come out to be 45. Or A1 plus A2 plus A3. तीन टर्म का सम कितना होगा 135. 135 minus 62 करेंगे. ये बन जाता है हमारे पास 63. This is A3. तो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है. इन दोनों के बीच में गैप कितना है 28. गैप कितना है 28. तो बेसिकली कॉमन डिफरेंस कितना 28 बनेगा. आई थिंक ऑप्शन मैंने गलत दे दिए. कॉमन डिफरेंस विल कम आउट टू बी 28. कॉमन डिफरेंस विल कम आउट टू बी 28. यस, इज देयर एनी एरर, कोई मिस्टेक है मेरे पार्ट पे, कोई मिस्टेक लगी आपको? आई थिंक मतलब इसके हिसाब से जब हम चलें तो आंसर शुड कम आउट टू बी दिस वन. यस डन. सॉरी क्वेश्चन में पता क्या था, क्वेश्चन में मैंने कहां पर एरर कर दी, ये जो एन की जगह कितना था एस ऑफ टू एन, एस टू एन वॉज दिस वन, दैट वॉज एरर. ठीक है, एस टू एन वॉज दिस वन, एस टू एन था ये, बट मैंने एस एन के हिसाब से कर दिया. अगर एस एन के हिसाब से करेंगे तो आंसर विल कम आउट टू बी 28. ये ऑप्शन जो है वो मैंने क्या दिया था, ये एक्चुअल में क्वेश्चन, आई होप यू अंडरस्टैंड, एक्चुअल में क्वेश्चन ये था कि एस टू एन इज इक्वल टू 3n प्लस 14n स्क्वायर, 3n प्लस 14n स्क्वायर, दैट वाज द क्वेश्चन. Right now, how did you solve? How did you reach option 7? Anand chahiye tha. Yes? Clear? Is this done? Sabko clear ho gaya ye? Kyun ho raha hai? The answer should be 28. Jo question tha, us question ke according, us question ka answer kitna aana chahiye? The answer to that question should be 28. Done? Let's move ahead. आगे चलते हैं हम. Let's do one more question. मतलब even I was surprised how did you reach out to the answer to be 7. Right? This was the question. ये जो question मैंने आपको दिया था, ये दोनों question, last two questions जो दिए, these were the questions जो 2019 के exam में पूछे गए. ठीक है? Right? फिर एक question आ गया था कि टू डिजिट के कितने नंबर्स होंगे विच आर डिविजिबल बाय सिक्स. करेंगे इसको जल्दी से. टू डिजिट के कितने नंबर्स होंगे जो कि सिक्स से डिवाइड हो जाते हैं. जल्दी से टू डिजिट के कितने, टू डिजिट के जैसे थ्री डिजिट के करते हैं, सॉरी इसमें के थ्री डिजिट के कितने नंबर, सॉरी मैं थोड़ा चेंज कर दिया, थ्री डिजिट के कितने नंबर होंगे विच विल बी डिविजिबल बाय सिक्स.
बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन है चेक करो रजत, चेक दिस आउट। देखो क्या होता है, देखो थ्री डिजिट के नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 100 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो टू डिजिट के कहां खत्म होते हैं, 99 पे, 99 तक टू डिजिट के हैं और 999 तक थ्री डिजिट के हैं। ध्यान से देख लो, 99 तक टू डिजिट के नंबर है, 999 तक थ्री डिजिट के नंबर है। इसको मैंने 6 से डिवाइड कर दिया, ये 1, 2, 999 सारे नंबर आ गए। जब 6 से इसको डिवाइड कर रहा हूं तो मेरे पास कितना बनता है, 166। ये क्या हो गया, ये 1 से लेके 999 तक जितने भी नंबर थे जो 6 से डिवाइड हो सकते थे वो सारे आ गए इसमें। 166 नंबर है, मतलब 6, 12 छोटे जो 1 से लेके 99 तक वो भी नंबर इसमें आ गए। 999 तक 6 से डिवाइड होने वाले 166 नंबर, और 99 को भी मैंने 6 से डिवाइड कर दिया तो ये कितने से गया, ये जाता है 16 से, 16 से। तो 99 तक मतलब 99 या उससे छोटे जितने भी नंबर हैं, तो 16 नंबर हैं जो कि टू डिजिट के हैं, 16 नंबर जो हैं जो कि टू डिजिट या वन डिजिट के हैं जो कि 6 से डिवाइड होते हैं। तो अब 166 में से मैं 16 ये माइनस कर दूं तो बाकी के 150 नंबर्स कौन होंगे, बाकी के 150 नंबर्स वो होंगे जो 99 से बड़े हैं, मतलब थ्री डिजिट के नंबर्स हैं। तो आंसर विल बी 150, राइट। और काफी ने आंसर सही निकाला है, बीच में थोड़ा सा आर्यन चेक की तरह, चेक दिस आउट, ये 166 जो है वो इसमें थ्री डिजिट टू डिजिट के सारे नंबर जो है इसमें कवर अप हो गए। डन, चल गुड। नाइन हंड्रेड को 6 से डिवाइड करिएगा। एक क्वेश्चन आया हमारे सामने कि 900 को हम 6 से डिवाइड कर दें तो आ जाएगा, बट ये काम आपने नहीं करना है, ये काम आपने नहीं करना है। उसका प्रॉब्लम क्या है, उसकी प्रॉब्लम ये है कि तब आप फंस जाते हो जब ये पूरा पूरा कहीं पर डिवाइड हो रहा होता है ना, जब पूरा पूरा डिवाइड हो रहा होता है तब आप फंस जाते हो उसमें, ठीक है। जैसे मैं आपको दे दूं कि से 400 टू 700 तक, 400 से लेके 700 तक कितने नंबर होंगे जो कि 6 से डिवाइड होंगे, ठीक है। तो अब क्या करोगे आप, वैसे तो देखो 400 डिवाइड बाय 6 किया तो कितने हो गए, 6 से अगर हम करें इसको, 66 आ गए, और 700 को हमने 6 से डिवाइड कर दिया तो कितना हो गया, 6 से किया तो 11 6 66 और बाकी 440 बन गए, तो 116 माइनस 66 कितना आ गया, 50। 50 नंबर ऐसे बन जाएंगे 400 से 700, राइट। बट सम हो, चलो मतलब आपको लग रहा है कि आंसर उसका भी वही आएगा, है ना, ठीक है। यहां पर 116 ये बाई चांस सम हो ये पूरा पूरा आ जाए, बट यहां पर प्रॉब्लम है, जैसे आप डिफरेंस निकालेंगे 50, डिफरेंस निकालेंगे 300 डिवाइड बाय 6 करेंगे तो यहां पर
बन जा रहा है 50 आंसर, बट कई बार क्या होता है, कई बार जो है नंबर जो है वो पूरा पूरा मल्टीपल होता है। जैसे मैं इसको कर लू 400 से लेके 300 to 600 कर लू, ये लो भव्य देखना, मैंने नंबर लिया, एक मिनट, मैंने 300 to 600 पूछा, मैं 300 से लेके 600 तक कितने नंबर्स होंगे जो 6 के मल्टीपल होंगे। अब 600 माइनस 300 डिवाइडेड बाय 6 कर दिया तो कितने नंबर्स आ गए, 50। तो यहां पर मुझे लग रहा है 50 आंसर होगा, बट एक्चुअल में क्या है, 300 को 6 से डिवाइड किया तो कितना होगा हमारे 50, और 600 को 6 से डिवाइड किया तो ये हो गया 100। देखो इसका मतलब एक से लेके 600 तक 100 नंबर ऐसे हैं जो 6 से डिवाइड होते हैं, और एक से लेके 300 तक 50 एक ऐसे नंबर हैं जो कि 6 से डिवाइड होते हैं। बट इसमें एक प्रॉब्लम क्या है, ये जो 300 है ये 6 से डिवाइड हो जाता है, जब 300 6 से डिवाइड हो जाता है तो मैंने कहा 300 से लेके 600 तक तो ये नंबर मुझे चाहिए, इसमें 50th नंबर 50वां नंबर क्या है 300, तो ये इसमें काउंट होगा कि 300 भी डिवाइड होता है, तो यहां पर हमने 50 नहीं माइनस करने, कितने माइनस करने, 300 से छोटे कितने नंबर है, 300 से छोटे कितने नंबर, 300 तो इसमें आ गया ना, 300 से डिवाइड को 50वां नंबर, इसमें 50th नंबर जो है वो 300 है, और 300 तो हमने काउंट करना है, तो मतलब 49th नंबर जो है वो 294 है, तो 49 नंबर ही माइनस करेंगे, 50 माइनस 49 करेंगे तो आंसर कितना मिल जाएगा 51। यहां पर ये चैलेंज आ जाता है, यहां पर ये चैलेंज आ जाता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इस सिस्टम में पढ़ने की बजाय बेस्ट थिंग क्या है, आप अलग अलग कर दो, जो नंबर है उससे नीचे वाले नंबर अलग कर दो, जो बड़े वाले नंबर है उनको अलग कर दो, तो उससे क्या होगा, अननेसेसरी का काम खास है, आपका कंफ्यूजन नहीं होगा। डन, क्लियर। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, अपनी उत्तरानी है, ओके। एक जीपी है, जीपी देख रखी है, जीपी में 200 टर्म्स है, 200 टर्म्स है, सम ऑफ ऑड टर्म्स जो भी ऑड पोजीशन के ऊपर टर्म्स है ये एम है, एंड सम ऑफ इवन जो इवन पोजीशन के ऊपर टर्म्स है उनका सम जो है वो एन है। आपसे पूछा कि व्हाट इज कॉमन रेशो, कॉमन रेशो कितनी है, यस करेंगे इसको क्वेश्चन को, ऑप्शन दे दूं, ऑप्शन दिया मैंने, एम अपॉन एन, एन अपॉन एम, एम प्लस एन बाय एम, एंड एन प्लस एम बाई करीज डॉ,
आंसर बी. ओके गुड. जिसको क्लियर है वो करिए, जिसको नहीं क्लियर मेरे साथ आओ जरा. देखो कुछ सिंपल सी चीजें, जैसे फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन रेशियो आर है, तो टर्म्स क्या बनेंगी, और टर्म्स क्या बनेंगी, और टर्म्स की बात करें हम तो दैट विल बी ए ए आर ए आर कितना आएगा, ए आर ए ए आर, तो टोटल टर्म लेते ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब AR power 4, AR power 5 and so on up to AR power 199. ये बनी 200th term. अब जो है अगर हम देखें sum किसका ज्यादा है, even term का ज्यादा आएगा या odd terms का, अगर ratio R जो है वो 1 से बड़ा है तो obviously बात है AR जो है एक term ये, first term ये, अगर हम बात है odd terms में क्या होगा, power जो है वो even नहीं क्योंकि A भी आ रहा साथ में. तो हम क्या करेंगे, sum of इवन निकालना हो तो ये वाली चीज आएंगी. तो सम ऑफ इवन कितना है, ए आर प्लस ए आर क्यूब प्लस ए आर पावर 5 एंड सो ऑन अप टू कौन चला गया. और सम ऑफ ऑड टर्म्स कितना है, ए फर्स्ट टर्म देन ए आर स्क्वायर ए आर पावर 4 एंड सो ऑन. ये देखो वन टाइम, मेरा कहने का मतलब ना इसको वन टाइम करना है, वन टाइम एक बार का एफर्ट है, नेक्स्ट टाइम के लिए आपको कोई परेशानी वाली बात नहीं है. इवन टर्म्स का सम और ऑड टर्म्स का सम की रेशियो अगर मैं निकाल लूं तो डिफरेंस कहां पर आएगा, ऊपर वाले सभी टर्म ने एक एक आर एक्स्ट्रा आ रहा है, तो ऊपर वालों से मैं आर कॉमन ले लूं, ये बनेगा ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर पावर 4 एंड सो ऑन, और नीचे तो ए ए आर स्क्वायर ए आर पावर 4 एंड सो ऑन. ये हो गया कैंसर, ये बच गया आर. तो रेशियो जो है जो भी जीपी है, और ये सिर्फ 200 टर्म्स की बात नहीं कर रहा हूं, ये 200 हो 20 हो 10 हो 1000 हो जितनी मर्जी टर्म्स, तो ये रिजल्ट एम और एन ये इस क्वेश्चन के लिए है. बट मैं जो ये रिजल्ट कर रहा हूं ये रिजल्ट फॉर एनी क्वेश्चन. रेशियो इज इक्वल टू सम ऑफ इवन टर्म्स अपॉन सम ऑफ ऑड टर्म्स, बस ये ध्यान रखना. बट नंबर ऑफ टर्म जो है, नंबर ऑफ टर्म जो गिवन हो दैट शुड बी मतलब इवन नंबर ऑफ टर्म्स, बराबर टर्म्स हो. ऐसा ना हो कि टर्म्स ऊपर ज्यादा है नीचे कम है, तब आपको करना थोड़ा सा इसको वर्कआउट करना, तब थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा. बट अदरवाइज जनरल जब अगर हम बात करें सो दिस विल बी रेशियो जो है कॉमन रेशियो विल बी सम ऑफ इवन टर्म्स अपॉन सम ऑफ ऑड टर्म्स. इवन टर्म्स का सम कितना है, एन, ऑड का एम, तो आंसर विल बी एन अपॉन एम, ऑप्शन बी. डन, इज इट क्लियर टू एवरीवन, सबको क्लियर है ये क्वेश्चन. Sure. Let's move on to the next one. We go ahead with one more question. Question एक series का sum निकालना है. The series जो दे रखी है हमें 1 minus 4 plus 7 1 minus 4 7 minus 10 13 minus 16 and so on.
सो ऑन चला गया ये वन जीरो नाइन, कहां तक चला गया? 109 तक, ठीक है, राइट। सो नाउ यू हैव टू टेल मी व्हाट इज द सम ऑफ दिस सीरीज, व्हाट इज द सम ऑफ दिस सीरीज। ये जीरो कैसे लिखा हमने? किसी ने बताया तो नहीं कि ऐसे क्वेश्चन में जीरो डाल दिया और बस हो जाता है, ऐसे तो नहीं बताया किसी ने? No, zero is not the answer. Solve kari please. माइनस 157, ओके, माइनस 157, आर्यन 3, चेक करो क्या आंसर बनेगा। Yes. देखो ध्यान से देखो, अब इसमें पता क्या है, इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है, हमें दो चीजें निकालनी है। पहली तो ये चीज है कि इसको ना, ये जो सीरीज है, इस सीरीज को ना डबल सीरीज है वैसे एक तरह से देखा जाए, बट बिफोर दिस वी नीड टू नो कि ये नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, कितनी टर्म है ये टिल 109। ये देखो आपको टर्म लिखना बताता हूं, नेगेटिव साइन को छोड़ दो ठीक है। टर्म्स कैसे लिखनी है वो सीख लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इनके बीच में गैप कितना है, 3-3 का गैप है, तो हम सबसे पहले 3n लिख देंगे। क्या लिखेंगे? 3n।
अब n की वैल्यू 1 डालूं तो कितना होता है, 3 बनता है, मुझे कितना चाहिए 1, तो माइनस 2 कर दो, क्या बन गया 3n माइनस 2। अब n की वैल्यू 1 डालेंगे तो कितना बना, 3 माइनस 2 दैट इज 1, 2 डालेंगे 3 2 जा 6 माइनस 2 4 बना, 3 डाल दो 3 3 जा 9 माइनस 2 7 बन गया, 4 डाल दो 4 3 जा 12 माइनस 2 10 बन गया। अब मुझे 109 बनाना है तो इज इक्वल टू 109 कैसे बनेगा, 3n इज इक्वल टू 109 प्लस 2 ट्रिपल 1, एन कितना बनेगा 111 अपॉन 3 दैट इज 37। ये 37 टर्म्स हैं, क्लियर होगी बात, ये सारी कितनी है 37 टर्म्स हैं। तो इसमें क्या हुआ, ये पहली टर्म पॉजिटिव है, लास्ट टर्म भी पॉजिटिव है, और टर्म्स है ना, तो ये 36 टर्म तो होगी माइनस 106। इसके बाद नेक्स्ट टर्म जो है वो 37th टर्म है, इसको छोड़ दो 36 टर्म तक पेयर बन गए, 1 माइनस 4 कितना हुआ सम माइनस 3, 7 माइनस 10 सम कितने है माइनस 3, 13 माइनस 16 सम कितने है माइनस 3। तो ये 36 टर्म्स हैं, इनके 18 पेयर बनेंगे, ये 36 टर्म्स हुई, इनके 18 पेयर बनेंगे और एक पेयर का सम माइनस 3, तो माइनस 54 सम बन गया 1 से लेके माइनस 106 तक, प्लस लास्ट वाली टर्म 109 है, 109 में से इसको माइनस करेंगे सम विल बी 55। सो यस वी हैव टू आंसर्स, टू करेक्ट आंसर्स, पारस चेक इट आउट, क्लियर हुआ, हरनूर हरनूर का बाद में ठीक हो गया। देखो पता है क्या बात ऐसी कि क्वेश्चन को जब सॉल्व करना है ना, क्वेश्चन को आप सिस्टमेटिकली अप्रोच करोगे तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाओगे हो जाएगा, सिस्टमेटिकली अप्रोच नहीं करोगे देन यू विल हैव ट्रबल, तब क्या होगा कभी निकल जाए, कभी सही हो जाएगा और कभी गलत हो जाएगा, तो हम ऐसा नहीं चाहते कि कभी सही हो जाए कभी गलत हो जाए, तो वी वॉन्ट टू डू इट सॉल्व इट सिस्टमेटिकली। आई होप दिस क्वेश्चन इज डन एंड नाउ आई कैन एक्सपेक्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम यू, मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ एक क्वेश्चन जो अब आप सॉल्व करके दोगे मुझे, देन चलते हैं, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं यहां पर, दिस वन क्वेश्चन, क्वेश्चन इज टर्म्स आर गिवन, दैट इज 5 माइनस 9 13 माइनस 17 21 एंड सो ऑन, सो ऑन कहां तक है, सो ऑन अगर हम करें इसको, बना रहा हूं क्वेश्चन साथ साथ में, परेशान नहीं होने, लास्ट टर्म इज 1, 5 माइनस 9 13 माइनस 17 21 एंड सो ऑन कहां तक 141 टर्म्स कितनी है 141 टर्म्स है, राइट, यू हैव टू टेल मी व्हाट विल बी द सम, ध्यान से करना है, तरीके से करना है, ऊपर सामने सॉल्यूशन लिखा हुआ है, ढंग से करो उसको, यस आंसर आ जाना चाहिए था, ओके इक्वेशन कैसे बनाई, इक्वेशन का देखो पारस ध्यान से देखना, ये माइनस साइन को बोलो, 5 और 9 के बीच में कितना गैप है 4 4 का गैप आ रहा है यहां पर, ठीक है, तो हम सबसे पहले लिखते हैं 4n,
एन की जगह वन डालो कितना हो गया, फोर, फोर बनता है, मुझे पांच चाहिए तो मैंने क्या कर दिया प्लस वन कर दिया, फोर एन प्लस वन। और लास्ट टर्म कितनी, ये देखो टू डालोगे तो नाइन अपने आप आ जाएगा, थ्री डालोगे तो ये आ जाएगा, फोर एन प्लस वन टर्म कितनी बनती है, दैट्स 141, 141, तो फोर एन कितना हो गया दैट इज 140, और एन कितना आएगा 35 है, तो 35th टर्म ये है, 34 टर्म पहले होगी। एक पेयर कितने, एक पेयर का सम माइनस फोर, इसका भी सम माइनस फोर, कितने पेयर हैं, पेयर कितने 34 टर्म से पेयर बने 17, 17 इंटू माइनस फोर दैट इज माइनस 68 प्लस 141, 141 है तो कितना बनेगा ये 73, इज इट, आंसर विल बी 73, इज इट, चेक दिस आउट, यस सर मैं चेक करो यार माइनस 73 कैसे आया ये बताओ, वी हैव सम आंसर्स, सम आंसर्स, यस 73 ओके सर माइनस 73 कैसे डाल दिया आपने, माइनस 73 कैसे लिख सकते हो आप, अमन चेक करो यार 68 नहीं आएगा, 68 कैसे आएगा, टोटल 141 है इसमें से माइनस भी तो होना है, ये जो लिखा है 141 इसमें से माइनस 68 माइनस सब्ट्रैक्ट करना है, 141 माइनस 68 आंसर विल बी 73। ओके देखो बेसिकली मैंने क्वेश्चन कहां से उठाया, क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में पता क्या क्वेश्चन आया था, अभी आप जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था वो करना है, 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + 7 and so on up to +101 ये दिया है, ऑप्शंस आर ऑप्शन ए इज 51, ऑप्शन बी इज 55, ऑप्शन सी इज 110 एंड ऑप्शन डी इज 111। Yes, good. We have two answers. Rest also, yes, good. Shyam Nandan. Baki log bhi answers bataiye mujhe. Yes, Aman. अमन बी कैसे, बी कैसे, हाउ कम बी, देखो वन से लेके हंड्रेड तक ये माइनस हंड्रेड आएगा ना, वन से लेके एक प्लस का एक माइनस का, ये प्लस का है तो पिछला वाला हंड्रेड माइनस होगा, वन से लेके हंड्रेड तक कितने 50 पेयर बन गए, हंड्रेड नंबर्स हैं 50 पेयर बन गए और हर एक पेयर का सम माइनस वन, सो ये बनेगा माइनस 50 + 101 और सिंपल सा आंसर है 51। मतलब आई कैन एक्सपेक्ट द आंसर एंड अगेन नॉट मोर देन मतलब 20 सेकेंड, कंसेप्ट बता दिया मैंने आपको, क्लियर डन।
सो दीज वर द क्वेश्चन जो कि प्रोग्रेशन में से लास्ट ईयर पूछे गए थे, जो लास्ट एग्जाम था उसमें वी हैड 8 क्वेश्चंस फ्रॉम द दिस प्रोग्रेशन. सो प्रोग्रेशन इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस एंड सीरीज में से क्वेश्चन पूछे गए थे एंड वी कैन वर्क इट अराउंड. साथ में जो है वो थोड़ा सा जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस, अगेन 3-4 क्वेश्चन आउट ऑफ इट. सो गो थ्रू द क्वेश्चंस, प्रोग्रेशन वाले क्वेश्चन आपने कर लेने, गो थ्रू कर लेने, ठीक है, डन. बुक का यार, बुक तो आई मैंने एक मिनट, जस्ट आई विल आस्क मैम. मैम आपको कॉल करते हैं सिमरप्रीत बुक्स के लिए ना, आई विल आस्क मैम टू कॉल यू, आपको कॉल कर लेते हैं, ठीक है, और वो डिस्कस करते हैं फिर, राइट. मैं पीडीएफ शेयर कर देता हूँ, आई विल शेयर द पीडीएफ विद यू टू सॉल्व द क्वेश्चंस. पीडीएफ शेयर कर देता हूँ, ठीक है, राइट. एंड पारस, यू आर सेइंग समथिंग, लास्ट स्टेप नहीं आया, बाकी सारा आ गया पेयर वाला. लास्ट स्टेप में देखो, लास्ट स्टेप में कुछ नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है. पेयर वाला आ गया ना, एक पेयर का सम कितना, -1, पेयर कितने बने, 50 पेयर बने, तो 50 into -1 -50 हो गया. बट पेयर बनाए कहां तक है, ये लास्ट वाला नंबर पेयरिंग में आया ही नहीं, तो -50 + 101 आंसर 51 बन जाएगा, ठीक है. अब एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, देखो चलो एक एग्जांपल लेते हैं हम, ये 13 -19 + 25 - 31 + 100 चलते गए हम, राइट, और it is 151 - 151. लास्ट वाली टर्म क्या है, -151, मतलब इसको रहने दो, प्लस छोड़ दो, ऐसे ऐसे और ये ऐसे, इन सब का, इस सीरीज का पूरा सम निकालना. लास्ट टर्म इज -151, व्हाट विल बी द सम, बताओ कितना सम आएगा, व्हाट विल बी द सम ऑफ दिस सीरीज. मैं दे देता हूँ, डोंट वरी, मैं इसका ना जब तक बुक्स नहीं मिलती है, आई विल शेयर द पीडीएफ, वहां से क्वेश्चन कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई विल डू इट. यस प्लीज, व्हाट विल द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सिंपल है, क्या प्रॉब्लम है इसमें, आंसर सही है नहीं, आंसर सही नहीं है. Might be, yes. देखो सबसे पहले देखो हमें क्या करना है, ये गैप कितना है, 6, 6, 6, तो टर्म कितनी बनी, 6n, और n की जगह 1 डाला तो 6 बनता है, मुझे कितना बनाना, 13 बनाना है. पहली टर्म कितनी है, 13, मतलब n की वैल्यू 1 डालू तो 13 बनता है, तो 1 डाली तो 6 बनता है, 13 कैसे बनेगा, 7. ये है सिंपल सा तरीका nth टर्म लिखने का. जितना गैप है 6 × n कर दिया, प्लस 7 कर दिया, 7 क्यों, 13 बनाने के लिए. ये कितना है, 151, तो 6n कितना बन जाएगा, 144 माइनस हो गया, n कितना आ जाएगा, n विल बी 24.
तो ये टोटल 24 टर्म्स है, 151 तक 24 टर्म्स है, मतलब टोटल 12 पेयर्स हैं, टोटल 12 पेयर हैं, और एक पेयर का सम कितना है माइनस सिक्स, तो 12 इंटू माइनस सिक्स -72। अब मुझे बताओ सिमर, नवीन, हरनूर, यस, एम आई रॉन्ग, मेरा मतलब कहीं पर वेयर आर यू गेटिंग इट द रॉन्ग साइड, कहां पर आप गलत हो जा रहे हो? ओके, बट सभी क्यों हो जा रही है, मतलब मेरा ठीक है, एम आई राइट? यस, मेरा क्वेश्चन सही है, मेरे में कुछ एरर है क्या? तो फिर से सॉल्व करके देखता हूँ सर। हाँ श्योर आर्यन, आई कैन रिपीट इट, जस्ट वेट। देखो इस चीज को समझो, इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें आप कंफ्यूज हो रहे हो। देखो ये सीरीज दे रखी है, ऊपर भी सीरीज दी थी, नीचे भी सीरीज दी थी। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस सीरीज के अंदर क्या हो रहा है, इस चीज को देखो, एक पॉजिटिव टर्म है, एक नेगेटिव टर्म है, एक टर्म पॉजिटिव है और एक टर्म नेगेटिव है, ठीक है? तो अब इसमें क्या करना है, नॉर्मली एपी वाला कंसेप्ट तो इसमें चल नहीं सकता, तो क्या करते हैं हम पेयर्स में देख लेते, गैप तो सेम है, सब में सिक्स का गैप है, बट पेयर्स में एक पेयर का सम कितना है, इसका -6, इस पेयर का सम कितना है -6, जितने भी पेयर बनेंगे हर एक का सम -6 हुआ। तो मेरा पर्पज क्या है कि मैं देख लेता हूँ पेयर्स कितने बन रहे हैं, पेयर्स कितने, अगर सपोज करो 10 टर्म्स होंगी तो 5 पेयर बनेंगे, 20 टर्म्स होंगी तो 10 पेयर बनेंगे, 30 टर्म्स होंगी तो 15 पेयर बनेंगे। तो मुझे सबसे पहले देखना पड़ेगा कि 100 लिखा हुआ है, मैं काउंट थोड़ा ना कर पाऊंगा, मुझे देखना है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने। तो मैं सबसे पहले फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ, मैं माइनस साइन के ऊपर नहीं जा रहा हूँ, मैं सिंपल 13 फर्स्ट टर्म बनाने जा रहा हूँ, और उससे एक ऐसी फॉर्म में टी एन एनथ टर्म लिखने का मैं कंसेप्ट सीख रहा हूँ, जिसके थ्रू मैं फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, कोई भी टर्म निकाल सकता हूँ। तो मैंने आपको तरीका बताया, इन दोनों के बीच में कितना गैप आ रहा है, 6 का गैप आ रहा है, तो मैंने लिखना है 6n, ये लिख लेना है, एन की वैल्यू 1 डाली तो ये 6 बन रहा है, बट मुझे कितना चाहिए 13, तो मुझे 13 बनाने के लिए 7 और ऐड करना पड़ेगा, 6n+7। ऐसा करने से क्या होगा, जब मैं n की वैल्यू 1 की जगह 2 लिखूंगा, 6 2 12 + 7 90, 3 लिखूंगा, 6 3 18 + 7 25, थर्ड टर्म होगी, 4 लिखूंगा तो फोर्थ टर्म 31 बन जाएगा। अब ऐसे लिख के फिर मैं क्या कर सकता हूं, इसको कंपेयर करूंगा 151 से, दिस इज इक्वल टू 151, 6n कितना आ जाएगा 151 - 7, दैट इज 144, और यहां से मैं n निकाल सकता हूं 24, ये जो है दिस इज 24th टर्म, मतलब 24 टर्म है वन से लेकर यहां तक, तो पेयर्स कितने बने, देयर विल बी 12 पेयर्स, पेयर्स कितने बनेंगे, 12 पेयर्स बनेंगे वहां पर टोटल, और एक पेयर का सम -6, तो टोटल 12 × -6 दैट इज -72। अब पिछले कुछ क्वेश्चन में क्या कर रहे थे, हमें यहां पर एक और टर्म 157 भी लिख दे रहा था, तो इसमें क्या हुआ, टोटल 25 टर्म्स आई, बट 24 टर्म्स तक के पेयर बन जाते हैं, तो 12 × -6 - 72 कर रहे थे, यहां तक कर लिया, पर साथ में एक टर्म और है पॉजिटिव, तो कितना आएगा 157 साथ में और ऐड कर दिया, और ये कितना बन जाता है 78 × 7, दैट्स 85 सम बन जाएगा, प्लस का 85 सम बन जाएगा, जब हमने 25 टर्म लिए, और अगर 24 टर्म नहीं है तो सिंपल है 24 का 12 पेयर, 12 × -6 दैट इज -72। पॉजिटिव में क्यों नहीं, पॉजिटिव नहीं लिया यार 151 पॉजिटिव। अच्छा देखो पारस आप समझो, मैं साइन नहीं ले रहा हूं, मैं देख रहा हूं 30, साइन तो मुझे पता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, पॉजिटिव एक नेगेटिव, 13, 19, 25, 31, मैं सिर्फ इनकी वैल्यू निकालने जा रहा हूँ कि 151 जो नंबर आ रहा है ये कौन सी पोजीशन पे आएगा, 24वीं पोजीशन पे पर आएगा। अब साइन तो मुझे पता है, एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव, एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव, फिर आप उसको नहीं समझ पाओगे कैसे पॉजिटिव, वो तो पता ही हमें 24 टर्म में, और इवन टर्म जो है वो नेगेटिव साइन वाली है। डन, कंसेप्ट इज क्लियर और नॉट?
फाइन ओके सो वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू डिस्कस टुमारो वी हैव राखी राइट कल राखी है तो सम ऑफ टीचर्स विल नॉट बी अवेलेबल टू टेक अप द क्लास टुमारो कल कुछ क्लासेस नहीं हो पाएंगी सो आर यू अवेलेबल वी कैन मेक द शेड्यूल अकॉर्डिंगली समवेयर ऑन 2-3 क्लासेस रहेंगी कल विल सी दैट इफ यू ऑल आर अवेलेबल देन विल कनेक्ट द क्लास राइट जस्ट टाइप इन द कमेंट सेक्शन यहाँ पर आप सब लोग कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए सो दैट वी कैन टेक ए डिसीजन अकॉर्डिंगली इस चीज का फायदा नहीं होगा कि हम क्लास शेड्यूल करें एंड यू आर नॉट अटेंडिंग द क्लास एवरीबडी जिसको यस अवेलेबल अब ए लिखना है ए मीन्स अवेलेबल और एन का मतलब नॉट अवेलेबल यस एवरीबडी जो भी लोग हैं ग्रुप में सब लोग अपना अपना ओपिनियन दे देंगे सो दैट वुड बी इजी That's good. That's good. Perfect. Fine. So I will share with you the schedule for tomorrow. One or two teachers will not be taking the classes. Who leave pe hain. So jo classes ho payengi, I will share the schedule for tomorrow. That will be a bit different. Thoda sa different rahega, and we'll plan accordingly. Done. So that's it from my side. Take care. I will try, Simarpit. I will try, but I think that the maths ki class ye subah subah ho jaye bahut acha rehta hai. Early in the morning, 6-7:30, bahut acche se ho jata hai. Isn't it? Yes. Done. Okay. Take care. Bye bye. Thank you, sir. Okay. Welcome. Thank you, sir. Welcome, dear. Welcome. Okay. Thank you, sir. Okay, enjoy the day. Bye.